असलमैकम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग मैं बिल्कुल जी ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे सबसे पहले तो जनाब आपके साथ ये मैं डिनर सेट शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही प्यारी है मुझे गिफ्ट आया था काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी और मैंने किचन में रखना था इसको है भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है तो आज मैंने इसको ओपन किया और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ साथ में कि ये कितनी प्यारी है आप देखें आपको भी पसंद आएगी अभी मैं इसको ओपन करके सेट करके फिर यूज़ भी करूँगी वाइट बर्तनों का पता है क्या फ़ायदा होता है कि जो भी आप खाना बनाते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसके अंदर सही से नज़र आता है जो कलरफुल होते हैं वो बर्तन तो बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उसमें खाना नहीं दिखाई देता तो जैसे मैंने चैनल में दिखाना होता है खाना वगैरह तो उस हिसाब से तो खैर ये बहुत ही बेस्ट है बहुत बेहतरीन है और डिनर सेट भी बहुत प्यारी है, है भी डिसेंट सी है किसी भी मॉडर्न डाइनिंग रूम के लिए बेस्ट डिनर सेट है अच्छा इसमें चार प्लेट छोटी हैं चार बड़ी हैं और चार इसके साथ बाउल हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ है ये स्क्वायर में है लेकिन ऐसी है कि कोने बहुत ज्यादा शार्प नहीं है बहुत प्यारे से हैं और है भी सोलड कांच है बाकी जब मैं यूज़ करूँगी मैं आपके साथ क्वालिटी भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी सबसे पहले तो उनका शुक्रिया जिन्होंने ये गिफ्ट लाया है मेरे बिल्कुल काम का है क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं कोई डिनर सेट अभी लूँगी मुझे किचन के लिए चाहिए थी मैं प्लास्टिक के बर्तन ज़्यादातर यूज़ करती हूँ छोटे बच्चों वाले जो घर होते हैं ना वहाँ पर आपको प्लास्टिक के बर्तन सही रहते हैं बिल्कुल कांच वाले तो बस टूटते ही रहते हैं मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया हुआ था कांच वाले बर्तन लाना मतलब पूरी डिनर सेट लेना थोड़े ले आती हूँ एक दो बाउल ले ली एक दो प्लेट्स ले ली इस तरह से मतलब थोड़े ले लेती हूँ लेकिन पूरी डिनर सेट नहीं ली थी अभी मैं सोच रही थी कि मैं लूँगी लेकिन फिर जनाब ये गिफ्ट आ गया और अभी मैं देखती हूँ क्या करते हैं और इसको मैं यूज़ करूँगी इन शाला फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी आप लोग मुझे बताइएगा किस किस के पास इस तरह की सेम डिनर सेट है मेरी सिस्टर के पास भी है बिल्कुल ऐसी सेम है और अब मेरे पास भी हो गई है तो मैं उसे यही कह रही थी मैंने कहा आप जब भी मैंने खाने की पिक्चर बनानी है ना तो मैंने शेयर करनी है आप आराम से स्टेटस लगा सकती हो आपके फ्रेंड सोचेंगे आपने बनाया है कहती है हाँ और मैंने कहा जब आप बनाएंगी ना तो मुझे ज़रूर भेज देना मैं अपनी इंस्टा की स्टोरी लगा सकती हूँ आराम से खैर ये हम लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे थे बहनों के मजाक तो ऐसे चलते रहते हैं कभी कभी मैं ऐसे भी करती होती हूँ वैसे कि स्टोरी उठा के लगा देती हूँ वैसे ही जो मेरे घर नहीं बना होता है मेरी सिस्टर के घर में बना होता है और उस पर मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और फिर मैं आगे से बता रही होती हूँ कि भाई ये मैंने नहीं बनाया मेरा ख़ुद खाने का दिल कर रहा है क्योंकि ये मेरी बहन ने बनाया हुआ है आज मैं आपके साथ सबसे पहले तो ये कड़ी बना रही थी और इसकी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ काफ़ी लोग डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं कड़ी पकौड़े कुछ लोग जो हैं कड़ी में टमाटर डालते हैं लेकिन हम लोग नहीं डालते आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोगों ने मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर जनाब मैंने ऑयल लिया था उसके अंदर मैंने प्याज को जो है वो ग्राइंड कर लिया था यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए थे छोटे उनको मैंने ग्राइंड करके ऐड कर दिया था इसके अंदर उसके बाद जनाब इसमें मैंने ग्रीन चिली तीन काट के डाल दी है साथ में मैंने इसमें एक करी पत्ता डाला है थोड़ी सी जनाब जीरा डाल दूंगी और इसको मैंने अच्छे से भून के ब्राउन करना है भून के ब्राउन कर लेने के बाद जनाब इसके अंदर मैंने सारे मसाले ऐड कर देने आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं डालते होते इसके अंदर मैंने जनाब कुटी हुई लाल मिर्च डाली है जीरा डाला है सूखा धनिया डाला है साथ में मैंने करी पाउडर डाला है और नमक डाल के इसको मैंने अच्छे से भून लेना है इसको आपने बहुत प्यारा सा हल्की आंच पे भूनना होता है उसके बाद जनाब अलग से योगर्ट लेना है मैं यहाँ यूके में जो है वो पाकिज़ा योगर्ट यूज़ करती हूँ कड़ी के लिए क्योंकि वो थोड़ा खट्टा होता है तो उसके साथ करी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप लोग अपने लिहाज से देख लीजिएगा अगर आपको बहुत खट्टी नहीं पसंद तो फिर आप योगट जो है वो कोई और यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपको सही पाकिस्तान का टेस्ट जैसे आता है वैसा चाहिए तो फिर आप पाकीज़ा योग यूज़ करें उसके साथ इसमें मैंने डाली है दो चम्मच जो है बेसन डाल दिया योगट में एक छोटा जो होता है ना बाल्टी वो वाला योगर्ट आपने लेना है आधी आपने वो बाल्टी ले लेनी है या पोनी ठीक है कदमों के हिसाब से अगर आप ज्यादा लोगे तो फिर आप पूरी बाल्टी भी ले सकते हैं ये लेने के बाद इसके अंदर मैंने दो चम्मच बेसन के डाले हैं और अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियां ना बने और अगर आपको लगता है कि गुठलियां हैं तो फिर आप उनको अच्छे से तोड़ के खूब अच्छे से मिक्स कर लें फिर इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है तकरीबन तीन से चार कप ऐड करके इसको अच्छे से आपने फेंट लेना है अब मैं आपके सामने ही पानी ऐड करूँगी आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह से फेंट लेना है नॉर्मल पानी आपने लेना है नीम गर्म पानी लेना है बहुत ठंडा पानी नहीं डालना है इसके अंदर फिर यह कि वो उबलने में बहुत ही जो है ना देर लगाती है अगर थोड़ा नीम गर्म पानी होगा तो फिर वो ज़रा जल्दी उबल जाती है तो आपको बहुत लंबा कड़ी के पास खड़ा नहीं होने पड़ता ये देखिए जनाब इस तरह से आपने ये डाल के सारा जहाँ जहाँ योगर्ट लगा है उसको अच्छे से उतार के और इसको मिक्स करके लस्सी रेडी कर लेंगे हम ना एक और योगर्ट लेके आए थे लास्ट डेज में उसकी मैंने मीठी लस्सी बहुत ज़्यादा बनाई है जो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है मुझे यहाँ पे मीठी लस्सी का टेस्ट नहीं आता था पहले तो अभी जब दोबारा मेरे हस्बैंड लेके आएंगे ना तो मैं ट्राई करूँगी जब बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी यहाँ पर जनाब मसाला आपने देखा है बिल्कुल भून चुका है और लस्सी भी रेडी हो चुकी है और मैं उठा उठाकर लस्सी को जो है वो इस मसाले में ऐड कर दूँगी अब जब आपने लस्सी ऐड कर दी है इसके बाद आपने चूल्हे के पास से हिलना नहीं है बस क्योंकि इसमें जो है ना ये जैसे छोटे छोटे से फट जाती है ना उस तरह से हो जाती है और फिर कड़ी सारी ख़राब हो जाएगी ये डाल के आपने हल्की हल्का सा चमचा हिलाते रहना है और आंच फूल कर देनी है नीचे झूले की हल्की आंच पे नहीं बनाना आपने तेज आंच करके बस इसको आपने ऐसे हिलाते रहना है जब इसको अच्छे से उबाल आ जाएगा दो तीन दफा उसके बाद आप हल्की आँच कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपने इस तरह से इसको तेज आँच पे ही बनाना है तेज आँच पे बनाने के बाद जब ये सही दो तीन बार उबल जाएगी फिर हल्की आंच करके ढक्कन दे के आपने दम कर देना होता है इसको यहाँ पे जनाब मैंने पकौड़ों का मसाला रेडी कर दिया पकौड़ों का आपको पता ही है कि कैसे बनाते हैं सारे एक ही तरह के ही बनाते हैं थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं सबके कुछ लोग योगर्ट भी डालते हैं मैं ऐड नहीं करती हूँ योगर्ट थोड़े क्रिस्पी बनते हैं तो अच्छे लगते हैं मुझे लेकिन हर बंदे की अपनी पसंद है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं यहाँ पे जनाब जब मैंने हल्की आंच पे आपने करी रखनी होती है ना तो फिर ये जो ऊपर आती है ना जिसको हम कहते हैं तरी वो आ जाती है तो उसके लिए आपको लाजमी हल्की आँच पर इसको लगाना पड़ता है साथ में आपने पकौड़े बना के कड़ी गरम गरम में नहीं डालना थोड़ी सी कड़ी ठंडी हो जाए ना फिर आपने पकोड़े ऐड करने होते हैं वरना ये होता है कि अगर आप गरम गरम कड़ी में गरम गरम पकोड़े ऐड कर दें तो सारी कड़ी जो होती है ना वो पकोड़े जो है ना ऐसे अपने अंदर जर्ज कर लेते हैं तो फिर वो नहीं ठीक लगती तो आपने थोड़ी सी करी ठंडी करनी है और पकौड़ों को भी थोड़ा सा ठंडा करके फिर ऐड कर देना होता है और बस वो आपने चूल्हा बंद करके कड़ी ठंडी करके पकोड़े भी थोड़े से ठंडे करके ऐड करने और फिर बाद में आप उसको गर्म कर लेंगे जैसे जैसे जो जो खाता जाएगा उसको गर्म करें साथ आपने गर्मा गर्म पुल के डालने और गर्मा गर्म पुले रेडी करके कड़ी के साथ खाने हैं और जिस जिसने ये ट्राई की मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताना है क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छी लगेगी अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आपको पता ही आपने क्या करना होता है प्लीज़ आप लोग उनसे जरूर रिव्यूज़ भी शेयर किया करें मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कोई भी चीज़ ट्राई करते हैं मुझे दो तीन चार सिस्तों तो ऐसे हैं माशाला वो जो कुछ भी मैं बनाऊँ ती हूँ नेक्स्ट टाइम बनाती हूँ और फिर मैं से शेयर करती हैं फिर मेरा और ज़्यादा दिल करता है ब्लॉग्स बनाने का आपके साथ शेयर करने का ऐसे बंदे के दिमाग में रहता है यार कोई इंतजार कर रहा है हमारा जब कोई इंतजार कर रहा होता है ना तो फिर लाजमी दिल करता है उसके लिए कुछ करने का फिर मैं लाजमी ब्लॉग बना लेती हूँ कभी भी कभी मैं बिल्कुल लेजी हुई होती हूँ मेरा दिल ही नहीं करता ब्लॉग बनाने का लेकिन फिर मैं जब इंस्टाग्राम पे डी देखती हूँ मैसेजेस देखती हूँ या फिर यहाँ कामेंट्स देखती हूँ तो फिर मैं फ़ौरन से कहती हूँ नहीं यार जो सब मेरा वेट कर रहे हैं उनके लिए मुझे ना जल्दी से ब्लॉग बना लेना चाहिए थोड़ी बातें शाते कर लेते हैं दुआ सलाम कर लेते हैं अच्छा लगता है इस तरह से जनाब अच्छा अब आपने ना वीडियो को लाइक नहीं किया नहीं किया कर दें जी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें आपका बहुत शुक्रिया और अगर आप नए आए हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द फिर मिलूंगी नए व्लॉग के साथ नई वीडियो के साथ अच्छा यहाँ पे जो मैंने लॉन् का सूट पहना हुआ है ये पाकिस्तान से लाए थे मेरे हस्बैंड कुर्ता बहुत ही प्यारा सा आप सब में से जो लोग कहते हैं मेरा किचन इतना साफ कैसे रहता है उसका एक राज आपको नजर आ रहा है कि मैं जैसे जैसे जो जो काम करती हूँ ना साथ साथ क्लीनिंग करती जाती हूँ बस ये वजह होती है जो मेरा घर साफ़ रहता है बाकी थोड़ा बहुत फैला तो रहता है वो हर बंदे का ही फैला रहता है उसकी खैर है लेकिन यह कि सफ़ाई का एक वजह यह होती है मैं जो काम कर रही होती हूँ ना साथ साथ वहीं से क्लीनिंग कर लेती हूँ बस जनाब यही था वह अल्लाह हाफि